बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम डीएक्सएम फैमिली को, डीएक्सएम मेंबर्स को आज आज की इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे डीएक्सएम के मार्केटिंग प्लान पे। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। आदम खान नाम है मेरा और डीएक्सएम में एज ए डबल डायमंड काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से, और इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं और अभी इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करनी है। तो आजकल ये जो मार्केटिंग प्लान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी जो भी अर्निंग होती है, जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, वो इस मार्केटिंग प्लान पे ही डिपेंड करती है। तो अगर हम सही से मार्केटिंग प्लान को समझ जाएँ तो फिर हमें काम करने में आसानी होगी। जब आप मार्केटिंग प्लान को समझ जाओगे तो उसके बाद आप अपनी टीम की प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकोगे और अपनी वर्किंग की कैलकुलेशन खुद ही कर सकोगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से काम किया जाए इस मार्केटिंग प्लान में, तो किस तरह से हम ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको मार्केटिंग प्लान काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप आसानी से वर्किंग को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम को भी मार्केटिंग प्लान के जो फीचर्स हैं उनके हवाले से आप बता सकेंगे अच्छे से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ और डिस्कस करेंगे कि डीएक्सएम का मार्केटिंग प्लान क्या है, इस तरह से हम इससे हम किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पहली स्लाइड पे अगर आप देखें तो यहाँ हम बात करते हैं बेनिफिट्स इन डीएक्सएम ना। तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको डीएक्सएम में मिलेंगे? पहला पॉइंट ये है कि वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप। जो भी शख्स डीएक्सएम को ज्वाइन करता है तो उसको जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है, यानी उसको दोबारा जो है वो कोई मेंबरशिप रिन्यूअल कोई फीस नहीं है जैसे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होती है। यहाँ वन टाइम आपने मेंबरशिप लेनी है और वो फिर लाइफ टाइम आपके पास रहती है, इसकी कोई रिन्यूअल फीस वगैरह नहीं है। सेकंड ये है कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है इसमें यह है कि नो डिमोशन ऑफ स्टेटस। जिस स्टेटस पर आप पहुँच जाओगे आप उसी स्टेटस पर रहते हो, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज में आप स्टेटस अप करते हो लेकिन आपके स्टेटस जो है वो डाउन होते हैं, लेकिन डीएक्सएम के मार्केटिंग प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस रैंक पे पहुंचोगे आप उसी रैंक पे रहोगे। पहला पॉइंट क्या है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप है और जो भी आपका स्टेटस होगा आप उसी स्टेटस पे रहोगे, आपका स्टेटस जो है वो डाउन नहीं होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है। हमारे जो डीएक्सएम की जब आप मेंबरशिप लेते हो आपको एक मेंबरशिप आईडी आपको मिलता है, तो वो मेंबरशिप आईडी जो है उस आईडी पे आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हो। वन वर्ल्ड वन मार्केट, आप पूरी दुनिया में अपने कस्टमर आप रेफर कर सकते हो, अपनी टीम में आप डेवलप कर सकते हैं। तो जितना खूबसूरत हमारा ये कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन मार्केट का, शायद ही किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास हो। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं डीएक्सएम के। तो चौथा पॉइंट ये है कि एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम है, यानी आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी ज़ीरो नहीं होते, वो पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। फर्ज किया इस मंथ आपके ग्रुप में 500 पॉइंट्स हुए हैं, तो नेक्स्ट मंथ जब 500 मजीद आप पॉइंट्स करोगे तो वो 1000 टोटल हो जाएंगे, वो जीरो पे नहीं आएंगे। थर्ड मंथ अगर आपने 1000 मोर किए तो आपके 2000 पॉइंट्स होंगे, तो आप 2000 पॉइंट्स पे ही रहोगे, आप जीरो पे नहीं होंगे। जबकि बहुत सारी कंपनीज में आपके पॉइंट्स जो है वो दोबारा से ज़ीरो कर दिए जाते हैं, फिर जीरो से आप स्टार्ट करते हो, फिर आगे जाते हो, फिर जीरो होते हैं। हमारे डीएक्सएम के मार्केटिंग प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पॉइंट्स जो है वो कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं और टोटल पॉइंट्स आपके पास होते हैं, एक्युमुलेटेड पॉइंट्स। फिर पॉइंट ये है कि प्रेशर फ्री वर्किंग होती है यहाँ पे, नो टाइम लिमिट एंड नो रिस्क। इसमें हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, हमारा जो डीएक्सएम का बिजनेस है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और प्रेशर फ्री आप वर्किंग करते हो, आप पे कोई प्रेशर भी नहीं, आपको कोई किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आपने इस तरह से करना है ये करना है। प्रेशर फ्री आप अपनी वर्किंग करते हो
अपने तरीके से आप वर्किंग को प्लान करके वर्किंग को बढ़ाते हैं। तो पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलती है जब आप इसको ज्वाइन करते हो। स्टेटस आपका जो है वो सेम रहता है, कभी स्टेटस डाउन नहीं होता। वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं एक ही मेंबरशिप कोड पे, और पॉइंट्स आपके जीरो नहीं होते, पॉइंट्स आपके बढ़ते रहते हैं यहाँ पे, और कोई प्रेशर नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट ये है कि ये जो आपका आईडी है, जैसे हमने कहा कि आपका पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं और आपका स्टेटस जो है वो कम नहीं होता, इसी तरह से आपका ये जो मेंबरशिप है ये भी लाइफ टाइम ही रहती है, और आप इसको इनहेरिट करते हो, यानी आपके बाद ये आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद पोतों को ट्रांसफर हो जाएगा। ये नहीं, ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। अगर आप अच्छी वर्किंग करते हो, अपनी अच्छी टीम डेवलप करते हैं, तो ये आपका बिजनेस जो है ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा, और ऐसा प्रैक्टिकली यहाँ पर हो भी रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बीएक्सएन जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप बीएक्सएन के मार्केटिंग प्लान से कितने किस्म के जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, इनकम कितने तरीकों से आप ले सकते हैं, और बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पॉइंट है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस ये होता है कि जो आप खुद डायरेक्ट जो सेल करते हैं आप, वो आपका पर्सनल बोनस कहलाता है, जो आप खुद सेल कर रहे हैं, और ये होता है आपका 6% to 21% तक जो है वो पर्सनल बोनस हम कहते हैं कि ये आपको मिलता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 25% से स्टार ग्रुप बोनस आपका स्टार्ट होता है, 25% to 37% तक ये आपका स्टार ग्रुप बोनस है। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे स्टार ग्रुप बोनस क्या। उसके बाद थर्ड है डेवलपमेंट बोनस, ये 15% बोनस कहलाता है। इसके बाद लीडरशिप बोनस, ये भी 15% है। ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव 2% है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये भी 2% है। मोबाइल इंसेंटिव वन टाइम 30,000, और ट्रैवल इंसेंटिव जो है वो 2,14,000, ये वन टाइम इंसेंटिव हैं ये दो। तो सब पे हम वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो ये 8 टाइप्स के बेनिफिट जो हैं वो आपको डीएक्सएन के जो मार्केटिंग प्लान है उससे आपको ये 8 टाइप्स के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब डीएक्सएन जब आप स्टार्ट करते हो तो आप 6% से स्टार्ट लेते हैं, यानी जब आपके 100 पॉइंट्स होते हैं तो उस वक्त आपका रैंक होता है 6%। जब आप 300 पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं फिर आपका रैंक हो जाता है 9%। जब आप 1000 पॉइंट्स को पहुंचते हैं तो आपका रैंक हो जाता है 12%, और 2000 जब आपके पॉइंट्स हो जाते हैं तो उस वक्त आप 15% पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह 3250 जब आप क्रॉस करते हैं तो आप 18% पे पहुंच जाते हो, और 4500 पे आप 21% पे पहुंच जाते हो। 21% to 25%, ये 21% to 25% क्या है ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपका रैंक जो है वो बढ़ता रहता है। कोई भी शख्स अगर डीएक्सएन बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो 6% से स्टार्ट करता है। अब ये 6% क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, 6% से मुराद क्या है, 9% से 12% से। तो ये आपका जो है वो रैंक स्टेटस आपका आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। अब इफ ए स्टार एजेंट ऑन 21% मेंटेन 100 पीवी एंड 300 पीजीपीवी, ही शी विल बिकम ए क्वालिफाइड स्टार एजेंट ऑन 25%। अब 21% से 25% का ये है कि अगर आप सिर्फ आपकी ग्रुप आप 100 पॉइंट्स करते हैं तो फिर आप 21% पे रहेंगे। अगर आपका ग्रुप बोनस आपकी टीम में भी 200 पॉइंट्स का बिजनेस होता है, टोटल अगर आप 300 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं तो फिर आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाते हैं। अगर आप 100 पॉइंट्स करते हैं तो आप 21% पे क्वालिफाई करते हो, और अगर आप 300 पॉइंट्स से करते हो, वो 300 पॉइंट्स चाहे आप अपने कोड पे करें पीपीवी कहलाते हैं, या आप 100 पॉइंट्स अपने कोड पे करें और आपके ग्रुप में जो है वो 200 कम से कम अगर पीवी होते हैं तो आप 300 पॉइंट्स करके क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो आप इस स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं, पॉइंट्स बढ़ते कैसे, आप खुद जो सेल कर रहे हो वो भी आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। शुरू में आप जो आपकी टीम आप बनाते हो यहाँ पे, जो आप अपना ग्रुप बनाते हो, आपका ग्रुप ग्रुप में जितनी भी सेल होती है वो भी पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते हैं तो आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ती रहती है और आपका रैंक जो है वो बढ़ता रहता है। तो रैंक बढ़ने से क्या होता है, रैंक बढ़ने से आपका जो है ना वो अर्निंग बढ़ती रहती है, आपका कमीशन जो है वो बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट आपने अगर 2 लाख रुपये की सेल की है
2 लाख रुपए में से अगर कंपनी, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेरी नियर है एक्चुअल कैलकुलेशन के, राउंड फिगर ले रहा हूँ, अगर आपने 2 लाख रुपए की सेल की है, 1 लाख रुपए उसमें से कंपनी ने अपने अपने पास रखा कॉस्ट एंड बेनिफिट में, 1 लाख मार्केटिंग बजट कंपनी ने अलग किया। अब वो जो 1 लाख अलग किया है आपने, अगर 2 लाख की सेल की, तो उस 1 लाख में से जो भी आपका रैंक है 6 to 37% वो आपको आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपने 2 लाख की सेल की, आपका रैंक 6% है, तो फिर आपको वो जो सेल्स वैल्यू कहलाती है, जो 50% ऑलमोस्ट जो कंपनी अलग करती है, उसका आपको 6% मिलेगा। और अगर आपका रैंक 9% है, तो फिर 9% मिलेगा। अगर 21 पे, 21, 25, जो भी आपका रैंक है, तो रैंक बढ़ने से आपके जो अर्निंग है, जो कमीशन है, वो बढ़ता रहता है। शुरू में एक शख्स अभी ज्वाइन किया है, वो 6% पे, वो जो भी सेल करेगा उसको सेल्स वैल्यू का 6% मिलेगा। और अगर आप आगे बढ़ते बढ़ते फर्ज करें आप 25% पे पहुंच गए, अब आप जब सेल करोगे तो आपको सेल्स वैल्यू का 25% मिलेगा। यानी पॉइंट्स बढ़ने से क्या होता है, आपका रैंक बढ़ता रहता है, परसेंटेज बढ़ती रहती है। परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है, जो भी आप सेल करते हो वो आपका कमीशन बढ़ता है, और आपकी टीम जो सेल करती है उससे भी आपका कमीशन बढ़ता है, क्योंकि आपकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो आपकी अपनी सेल का भी कमीशन आता है, और आपने जो ग्रुप बनाया उसका भी कमीशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। 25% से आगे हम कहते हैं स्टार ग्रुप बोनस, जो 25% to 37% तक होता है। ठीक है, वो किस तरह से स्टार, जैसे आप अगर 25% में पहुंचते हैं, आपकी टीम, यहाँ पे हम बेसिक कहते हैं कि आपने 6 टीमें डेवलप करनी है, तो अगर आपके आप 25% पे हैं, आपकी टीम में भी कोई 25% आता है, तो आप 27 पे पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको 2% स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। और ये जो बोनस है ये फिर आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपके ग्रुप में जो है वो स्टार एजेंट बनते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। अब आप देखें, आप खुद जब 25% पे आप पहुंचते हैं, आप कैसे 25% पे पहुंचते हैं, हमने कहा 6 से आप स्टार्ट करते हैं, फिर 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, इस तरह से आप 25% पे पहुंचते हो। ठीक है, तो 25% के बाद क्या होता है, आप स्टार एजेंट कहलाते हैं, कंपनी के स्टार एजेंट बन जाते हैं। स्टार एजेंट बनने के बाद जब आपकी टीम में पहला कोई शख्स स्टार एजेंट बनता है, तो आपका परसेंटेज कंपनी बढ़ा के आपको 27% पे ले आती है। यानी जब आपकी टीम में कोई एक शख्स 4500 पॉइंट्स कंप्लीट करता है, तो आप 27% पे पहुंच जाएंगे एक लाइन में, एक टीम में। जैसे आपने दूसरी लाइन में वर्किंग स्टार्ट की, यानी दूसरा ग्रुप आपका, जो दूसरा शख्स आपने डायरेक्ट अपने मुतारिफ करवाया, उसकी लाइन में जब 4500 होंगे, तो वो भी स्टार एजेंट बन जाएगा, तो आप 29% पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से तीसरे शख्स आपकी टीम में जब 25% पे पहुंचेगा, तो आप 31 पे आ जाओगे। चौथी टीम में कोई पहुंचेगा, तो आप 33 पे आ जाओगे। और पांचवी टीम में जब आपकी कोई 25% पे आएगा, तो आप 35 पे आ जाओगे। और छठी टीम में जब कोई 25% पे आएगा, तो आप 37% पे आ जाओगे। तो इस तरह से आपकी जो है परसेंटेज बढ़ती रहेगी। और अगर आप फर्ज करें 35% पे हैं, और आपकी टीम में कोई शख्स 27% पे है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो आपका स्टार ग्रुप बोनस कहलाएगा। यानी आप स्टार एजेंट हैं, आपके टीम में भी कोई स्टार एजेंट है, तो उसका जो डिफरेंस है वो स्टार ग्रुप बोनस कहलाएगा। तो अब इसमें यह है कि आपकी टीम में अगर कोई एक एक शख्स स्टार एजेंट बना, तो आप 27% पे आ जाते हैं। अब यहाँ क्वालिफिकेशन के लिए जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो आपको अपने 100 पॉइंट्स करने होते हैं, और अपने जो नॉन स्टार एजेंट लाइंस में हैं वहाँ से आपको 200 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यानी 300 पॉइंट्स अगर आपको टोटल हो, 100 + 200 नॉन स्टार एजेंट वाली लाइन से, तो फिर आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, 25 पे अगर आपके 300 पॉइंट्स किए हैं, तो आप 25% पे अपनी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। 27 पे कैसे होगा, आप अपनी करें, और आपकी टीम में जो एक लाइन में एक शख्स 25% पे पहुंचा है, तो फिर आप 27 पे क्वालिफाई करेंगे। अगर आपकी टीम में 2 लाइन 25% पे क्वालिफाई कर रही है, तो फिर आप 29% पे क्वालिफाई करेंगे 100 पॉइंट्स अपने करके। 3 लाइनें करेंगी, तो आप 31 पे। और 4 लाइनें अगर आपकी 4 लाइनें क्वालिफाइड स्टार एजेंट क्वालिफाई करती हैं, यानी 300-300 का बिजनेस करती है, तो आप 33 पे क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, 35 पे आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके 2 पैटर्न हैं कि आप 35% पे आप अपने 4 स्टार एजेंट, यानी 4 लाइनों में जो आपके टीम 4 टीमें काम कर रही है, उनको आप 25% पे क्वालिफाई करवाएं, और टोटल आपका जो DGPV हो, उसको डायमंड ग्रुप PV, वो अगर आपके 2000 होते हैं, तो फिर आप 35% पे क्वालिफाई करते हो। या अगर आपकी टीम में कोई भी 25% पे क्वालिफाई नहीं करता,
आपने अपने 300 से क्वालिफिकेशन की है, लेकिन टोटल पीवी अगर आपके ग्रुप में डीजी पीवी आपके 3000 हो जाते हैं तो भी आप 35% पे क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद 37% की जो क्वालिफिकेशन है यानी डायमंड क्वालिफिकेशन, ये वाली क्वालिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके ग्रुप में एटलीस्ट 4 लोग जो हैं वो 25% पे क्वालिफाई करें, यानी 4 लाइनें, एक ही लाइन में 4 लोग नहीं, अलग अलग 4 लाइनों में अगर 4 लोग 25% पे क्वालिफाई करते हैं और आपके टोटल ग्रुप पीवी जो है ना डीजी पीवी डायमंड ग्रुप पीवी 2500 हो तो फिर आप 37% पे क्वालिफाई करते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि फर्ज किया आपके ग्रुप में कोई भी जो है वो 25% पे क्वालिफाई नहीं करता और आपके टोटल ग्रुप पीवी जो है वो 5000 हो जाए तो भी आप 37% के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। यानी या तो आप 2500 पीवी करें अपने टोटल टीम में ग्रुप पीवी डीजी पीवी और 4 लोगों को 25% पे क्वालिफाई करें। अगर ऐसा नहीं है आपने 31% पे, दूसरा ऑप्शन क्या है क्वालिफाई करने का कि आप टोटल टीम में डीजी पीवी या टोटल ग्रुप पीवी जो आपकी टीम में है, अगर अभी आपकी टीम में डायमंड नहीं है, आप सिर्फ स्टार डायमंड हो, टीम में कोई डायमंड नहीं है, तो आप टोटल 5000 पॉइंट्स करें और अपना जो है वो 300 से स्टार रेजन की क्वालिफिकेशन करें, टोटल ग्रुप में अगर 5000 पॉइंट्स हो तो भी आप 37% पे क्वालिफाई करते हैं, यानी एज ए स्टार डायमंड आप क्वालिफाई करते हैं। मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर आप इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि जब आपने बीएक्सएन बिजनेस में जब आपने जब अपनी आईडी ली, जब काम शुरू किया, तो अगर आप देखें तो आपने 6% से स्टार्ट किया था। 6 के बाद 100 पॉइंट्स पे आप 6% पे थे, 300 पे आप 9 पे पहुंचे, 1000 पे आप 12 पे, इस तरह 2000 पे 15 पे, 3000 पे 18 पे और 4500 पे आप 21-25% पे आप पहुंच के यहाँ आप स्टार एजेंट बन गए थे। यानी 4500 पीवी करके आप जो है वो कंपनी के पहले रैंक पे आ गए स्टार एजेंट पे और आपका स्टेटस यही रहेगा अब, ठीक है। अब जब आप तो स्टार एजेंट बन गए अभी, 25% पहुंच गए, 25% तक आप सेल पे डिपेंड कर रहे होते हो, अपनी सेल और अपनी टीम की सेल। इससे आगे आपकी परसेंटेज बढ़ने के लिए फिर आपको अपनी टीम की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी टीम जितना ग्रो करेगी आगे फिर आप उस हिसाब से ग्रो करोगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी 6 लाइंस में जो है ना आपको बेसिकली यहाँ पे अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए अगर आपकी 6 टीमें काम करती हैं तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। अब है क्या कि जब आपकी पहली लाइन, यानी जो आपने पहला अपने ग्रुप में डायरेक्ट मेंबर एंटर किया, हो सकता है इसने आगे मजीद ग्रुप बनाया हो, हजारों लोगों का भी हो सकता है, चंद लोगों का भी हो सकता है, लेकिन पहला शख्स जो आपने अपने ग्रुप में ऐड किया, ये शख्स जब 25% पे पहुंचता है तो फिर क्या होता है कि आप आ जाते हैं 27% पे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शख्स अगर आपकी टीम में 25 पे आता है तो आप 27 पे आ जाते हैं। तीसरी लाइन में भी जब कोई शख्स 25 पे आता है, यानी इस लाइन में भी 4500 पॉइंट्स हो जाएं, इस लाइन में भी, इस लाइन में, तीन लाइनों में जब 4500 पॉइंट्स का बिजनेस होगा तो फिर क्या होगा कि आप आ जाओगे 31% पे, यानी तीन क्वालिफाइड स्टार एजेंट अगर बनते हैं तो आप 31% पे क्वालिफाई करते हो। इसी तरह से चौथी लाइन में अगर कोई 25% पे आता है तो आप 33 पे क्वालिफाई करते हो, ठीक है। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्या है कि जब आपका पांचवी लाइन में कोई स्टार एजेंट बन जाता है तो आप 35% पे पहुंच जाते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे कि आप जो है वो या 2000 पॉइंट्स और 4 स्टार एजेंट से आप क्वालिफाई, यानी 4 लाइनों में अगर स्टार एजेंट आपके बन जाते हैं, यानी 25% पे लोग क्वालिफाई करते हैं और आपके टोटल 2000 पीवी होते हैं तो आप 35% पे क्वालिफाई कर जाते हैं, या फिर अगर टोटल आपके ग्रुप में 3000 पॉइंट्स का बिजनेस हो तो आप 35% पे क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए किसी भी स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे एक एक लाइन में लोग स्टार एजेंट बनते हैं आपकी 2-2 परसेंटेज बढ़ती रहती है। छठी लाइन में जब कोई स्टार एजेंट आपका बनता है तो आप 37% पे पहुँच जाते हैं, 37% पे आप पहुँच जाते हैं और 37% पे आपका रैंक हो जाता है स्टार डायमंड। जब आपकी टीम में 1, 2, 3 लोग स्टार एजेंट बनते हैं तो आप कंपनी के स्टार रूबी बन जाते हैं, यहाँ 31% पे आते हैं। जब 3 मजीद लोग आपके ग्रुप में स्टार एजेंट बनते हैं तो आप 37 पे आ जाते हो, स्टार डायमंड पहुंच जाते हो। और स्टार डायमंड की जो क्वालिफिकेशन होती है वो ये है कि आप अपने आपके टोटल अगर 5000 पीवी का बिजनेस होता है पॉइंट्स का, ग्रुप पीवी डायमंड ग्रुप पीवी, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 4 स्टार एजेंट क्वालिफाई करवाएं और
टोटल 2500 पीवी का बिजनेस है तो भी आप 37% पे क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड में समझने की जरूरत है कि जब आप अगर 100 पॉइंट्स करेंगे तो आप 21% पे क्वालिफाई करेंगे, अगर आप जो है वो 100 प्लस 200 यानी पीजी पीवी अगर आपके 200 होते हैं तो फिर आप 25% पे यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस पूरे चार्ट में देखें, आपने 6% से आस्ते आस्ते सफर शुरू किया, आप 21 पे पहुंचे। ठीक है, स्टार एजेंट आप 21 पे, यहाँ पे 21 to 25% पे जब आप पहुंचते हैं 4500 पीवी पे, यहाँ आप स्टार एजेंट बन गए। अब आपकी टीम में एक स्टार एजेंट बना तो आप पहुंच गए 27 पे, दूसरा स्टार एजेंट बना तो आप पहुंचे 29 पे, तीसरी लाइन में कोई स्टार एजेंट बना तो आप 31 पे पहुंच गए, यहाँ पे रूबी हो गए। चौथी लाइन में कोई स्टार एजेंट बना तो आप 33% पे आ गए। पांचवी लाइन में स्टार एजेंट बना तो आप 35% पे आ गए। छठी लाइन में स्टार एजेंट बना तो आप 37% पे आप आ गए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो आप यहाँ पे खुद अपनी सेल करोगे, जो भी आपका रैंक है, आप 25 पे हैं, 37, 31, तो आपको उतना कमीशन आपके अकाउंट में जाएगा और आपकी ये जो टीम काम कर रही है, टीम से आपका डिफरेंस जाएगा। फर्ज किया यहाँ पे अगर आपका रैंक है 37% और आपकी टीम में ये शख्स है 25% पे, तो यहाँ से आपको 12% का जो है ना स्टार ग्रुप बोनस का डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये टीम की सेल से आपको डिफरेंस मिलता है और अपनी जो परसेंटेज है वो जिस रैंक पे आप होते हो उतना आपको मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, 100 पॉइंट्स अपने हैं प्लस टोटल 300 पीजीपीवी यानी अपने 100 और जो है ना नॉन स्टार एजेंट लाइन में 200, तो टोटल 300 होंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो स्टार एजेंट की हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मजीद इस पर बात करते हैं। वेरी सिंपल सा यहाँ पे अगर आप इस चार्ट में देखें तो स्टार्ट में आप मेंबर होते हैं। ठीक है, मेंबर कहलाता है 6% से लेके 21% तक। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप 4500 पे पहुंचते हैं तो आप कंपनी के स्टार एजेंट बन जाते हैं, फिर आप डायरेक्ट जो भी सेल करोगे 21% to 25% आपको मिलेगा सेल्स वैल्यू का। ठीक है, इसी तरह से स्टार एजेंट से कब बात का स्टेप क्या है कि आपकी जैसे आप ऐसे बने 4500 से, इसी तरह आपकी टीम में 1, 2, 3 लोग, जब ये तीन टीमें भी आपकी 4500 पे पहुंचेंगी तो आप 31% पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आप स्टार रूबी हो जाते हैं। यानी डायरेक्ट आप जो भी सेल करोगे आपको 31% मिलेगा और टीम से जो है ना आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप 31 पे हैं और आपकी टीम 25 पे है तो यहाँ से 6% का आपको जो है वो एक कमीशन डिफरेंस होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अपने आपने स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन करनी है और इन तीन लोगों को भी 100 प्लस 200 पॉइंट से क्वालिफाई करवाना है तो आप 31% पे क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ पे आपका रैंक होता है रूबी। इसके बाद नेक्स्ट रैंक आपका डायमंड है। डायमंड कैसे बनता है, तीन आपने जब स्टार एजेंट अपने ग्रुप में तीन ग्रुप्स में स्टार एजेंट आपने बनाया तो आप 31 पे रूबी हो गए थे, मजीद तीन टीमें आपने बनाई, जब टोटल 6 की 6 टीमें आपकी ऐसे बन जाती है यानी 4500 पीवी, 4500 पीवी, 4500 पीवी, 4500 पीवी, जब 6 लाइनों में 4500 पीवी हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं 37% पे और यहाँ पे आप कंपनी के स्टार डायमंड कहलाते हैं, जो स्टार डायमंड लेवल पे एक अच्छी अर्निंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएल में लोग अच्छी अर्निंग हासिल कर रहे हैं और उनका किचन और बाकी जो है ना फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं और स्टार डायमंड पोजिशन पर ही बहुत सारे लोग फुल टाइम आ जाते हैं। स्टार्टिंग पार्ट टाइम से शुरू करते हैं, जैसे उनकी अर्निंग अच्छी होती है तो फिर वो फुल टाइम आ जाते हैं। तो सिंपल सा है, पहले आप मेंबर होते हो 4500 पॉइंट्स तक, फिर आप स्टार एजेंट बन जाते हैं जब आपके 4500 पॉइंट्स हो जाएं। अगर आप एक एवरेज अगर मैं पाकिस्तान की सेल की बात करूं तो तकरीबन 7 लाख एवरेज अगर आप सेल करते हैं तो आप 25% पे आ जाते हैं। ये 7 लाख सेल आपकी नहीं है, आपकी और आपके पूरे ग्रुप की सेल है, तो आप 45% पे आ जाते हैं। इसी तरह से जब आपकी टीम में तीन लोग 45% पे आते हैं, अगर इसको फर्ज करें हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 लाख की, जब टोटल तीन लाइनों में अगर इक्वली सेल होती है तो आप उस वक्त एसआर बन जाते हैं। ये सेल आपने नहीं करनी, आप और आपके ग्रुप ने करनी, आस्ते आस्ते ये सब हो जाता है। इसी तरह 6 लाइनों में जब 4500 पॉइंट्स की बिजनेस होता है तो फिर आप 37 पे आ जाते हैं, एसडी बन जाते हैं, आप स्टार डायमंड बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हैंडफोन कैश इंसेंटिव भी ये वन टाइम मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है, जब आप जो है वो कंपनी के स्टार एजेंट बन जाते हैं और आपकी तीन लाइनों में भी स्टार एजेंट बन जाते हैं, यानी आप जब स्टार रूबी बन जाते हो, ठीक है, और जो तीन लाइनों में 4500 पीवी आपने किए हैं, आप स्टार रूबी बन जाते हो, उसमें 1500 हर लाइन में और ऐड करते हैं, यानी तीन लाइनों में जब आपके 6000 एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स हो जाते हैं तीनों लाइनों में, तो फिर आपको कंपनी एक हैंडफोन इंसेंटिव देती है
जो के 30,000 रुपीज़ कैश की सूरत में आपको मिलता है। इसी तरीके से जब आपकी जो 5 टीमें हैं, जो जैसे मैंने बताया डायमंड बनने के लिए आपको 6 टीमों का स्टार एजेंट जरूरी है, जब आपके 5 टीमों में लोग मोबाइल विन कर लें, जैसे आपने 3 लाइनों में 6,000 पॉइंट्स करके अपना मोबाइल फोन इंसेंटिव विन किया है, इसी तरीके से जब आपके ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 जब 5 डिफरेंट लाइन्स में आपके लोग मोबाइल फोन विन करेंगे, तो कंपनी आपको जो है वो वन टाइम जो है ना वो करेगी, एक इंसेंटिव देगी जिसको हम कहते हैं कैश इंसेंटिव, वन टाइम है ओवरसीज ट्रिप का। यानी आपके ग्रुप में जब 5 लाइनों में 5 टीमों में 5 टीम्स में जब आपके ग्रुप में लोग मोबाइल फोन विन कर लेंगे, तो फिर कंपनी आपको 2,14,000 का एक कैश इंसेंटिव देगी ओवरसीज ट्रिप की मद में। तो ये दो छोटे दो इसमें इंसेंटिव्स हैं, एक मोबाइल फोन का और एक कैश इंसेंटिव भी आपको मिलता है, ये वन टाइम ही आपको मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरा बोनस होता है हमारा, उसको कहते हैं डेवलपमेंट बोनस। हमने बात की थी स्टार ग्रुप बोनस की भी बात की थी। डेवलपमेंट बोनस ये होता है कि जब आप स्टार एजेंट बनते हैं, यानी 25% पे जब आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद आपका 15% जो है वो एक डेवलपमेंट बोनस भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 15% डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है? जब आप 25% पे पहुंचे तो आपकी टीम में कोई 6% पे होगा, कोई 9 पे होगा, कोई भी परसेंटेज होगी, तो वहां से आपको डिफरेंस मिल रहा होता है कमीशन पे, यानी आपकी टीम जो सेल कर रही होती है उससे आपको कमीशन मिल रहा होता है। इसके अलावा जैसे आप आपकी टीम में भी लोग 25% पे पहुंचते हैं, तो फिर आपका जो पहले लेवल पे जितने भी लोग 25% पे पहुंचते हैं वहां से आपको 5% डेवलपमेंट बोनस मिलता है, सेकेंड लेवल पे आपको 4% मिलता है, थर्ड लेवल पे 3% मिलता है, फोर्थ लेवल पे 2% मिलता है, 5 लेवल पे 1। तो ये 15% जो है ये डेवलपमेंट बोनस की मद में आपको मिल रहा होता है। फर्स्ट कि आप स्टार एजेंट बन गए, 25% पे आप पहुंच गए, आपने अपनी आपकी टीम में 2 लोग हैं वो भी 25% पे पहुंच गए, तो पहला शख्स आपकी टीम में 25% पे पहुंचा, आप भी 25% पे हो, तो वहां से 2% का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, जब दूसरी लाइन में भी आपको 25% पे पहुंचा, तो फिर आप क्या हुआ 29% पे पहुंच गए, यानी 2 टीमों से आपको अब 4% का जो है ना डिफरेंस आपको बोनस आ रहा है। तो 4% तो ये आ रहा है, लेकिन 5% उसमें डेवलपमेंट बोनस और ऐड कर देंगे, तो टोटल 9% यहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि आप भी 25 पे हैं, आपकी टीम में ये 2 लोग भी 25 पे हैं, तो इन दोनों लोगों से डिफरेंस 4% आ रहा होगा, प्लस 5% डेवलपमेंट बोनस आपको आ रहा होगा। इसी तरह से अगर इन 2 लोगों की टीम में मजीद दूसरे लेवल पे कोई 25% पे आते हैं, तो वहां से आपको 4% मिलेगा। अगर इनकी टीम में भी कोई 25% आता है तीसरे लेवल पे, तो वहां से 3%, चौथे लेवल से 2% और पांचवें लेवल से 1%। तो इस तरह से आपको जो है 15% जो है वो डेवलपमेंट बोनस मिल रहा होता है। इसी तरीके से 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको मिलता है। ठीक है, 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग कैसे मिलता है? कि जितनी भी सेल होती है उसका 2% जो है वो एक हेड में चला जाता है, उस एक हेड में चला जाता है, एक पूल में चला जाता है। अब क्या होता है, उस पूल से आपको कितना मिलेगा, उस पूल से आपको 2% पूरी दुनिया की सेल का कैसे मिलेगा, आपकी अपने जितनी ज्यादा सेल होगी, यानी जितने आपके डायमंड ग्रुप पीवी ज्यादा होंगे, डीजी पीवी ज्यादा होंगे, उस पूल में से उतनी परसेंटेज आपको मिलेगी। तो उसका फिर उन्होंने फार्मूला भी दिया है, ये आप स्क्रीन पर नोट कर लें, ये आप देख लीजिएगा। यानी पूरी दुनिया की सेल का 2% एक पूल में चला गया, अब उस पूल में से आपको कितना मिलेगा, जितने ज्यादा डीजीपी भी आपके होंगे उसमें से उतना ज्यादा परसेंटेज जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। तो पूरी दुनिया के डायमंड्स जितने भी क्वालिफाई करते हैं, उन डायमंड्स का जो है वो 2% वो जो है ना पूरी सेल, दुनिया की सेल का 2% अलग करके वो जो क्वालिफाइड डायमंड है उनमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब उनमें ये 2% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी जितने ज्यादा डायमंड ग्रुप पीवी होंगे उतना ज्यादा उसके अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव का 2%, ये एक अलग 2% निकाल के एक पूल में डाला जाता है, जो हमारी एनुअल जो टूर्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 10th को हम लोग जा रहे हैं मलेशिया, हमारी 30th एनिवर्सरी है, तो हम लोगों ने वो विन किया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से विन किया, ये पूरी दुनिया की सेल का 2% जो है वो एक पूल में चला जाता है, वो उसमें जमा होता रहता है, और फिर एनुअली जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, कहीं भी इंटरनेशनल टूर होता है, क्योंकि हर साल कंपनी टूर देती है, ठीक है, तो जो अच्छा काम करने वाले हैं, तो वो जो 2% है वो उस मद में जो है वो यूज हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे मलेशिया में इस वक्त नेक्स्ट मंथ 20,000+ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं, तो
तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनुअल टूर विन किया है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे विनर्स आ रहे हैं, तो उनके एक्सपेंसेस कहाँ से निकल रहे हैं, वो ये 2% से निकल रहे हैं। ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव का 2% जो एक पूल में डाला गया था, उस 2% से इस वक्त पूरी दुनिया से लोग मलेशिया में इकट्ठे होंगे, तो वो एक टूर करवाया जाएगा। यानी हमारी 30th एनिवर्सरी भी और एक टूर भी है, तो हर साल कंपनी जो है वो टूर करवाती है। कैसे करवाती है, वो 2% पूरी दुनिया की सेल का वो एक पूल में चला जाता है, और उस पूल में जो भी अमाउंट होती है उस अमाउंट से फिर जो है वो पूरी दुनिया में जो अच्छे काम करने वाले जो अचीवर्स हैं, जो टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो उनको कंपनी क्या करती है, फिर इंटरनेशनल टूर करवाती है, कहीं का भी करवा सकती है। अब जैसे इस साल मलेशिया का है, ठीक है, तो अच्छे टूर्स होते हैं हमारे, ये 2% उस तरह से जो है ना वो यूटिलाइज करती है। अब जो है वो कैलकुलेशन क्या है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के, कि आप खुद पर्सनल ग्रुप पीवी जो आप खुद सेल करते हो वो आपको 100% पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो आपकी टीम में जो फर्स्ट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से 50% काउंट होते हैं, थर्ड लेवल से 40, फोर्थ लेवल से 30, और फिफ्थ लेवल से जो है वो आप 20, फोर्थ लेवल से 20 और फिफ्थ लेवल से आपको 10%। तो ये 5 लेवल्स के जो आपके स्टार एजेंट हैं, यानी पहले लेवल पे जो स्टार एजेंट क्वालिफाई होते हैं वहाँ से आपको जो है ना 50% पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है। दूसरे लेवल से आपको जो है वो 40% लगते हैं, थर्ड लेवल से 30%, फोर्थ लेवल से 20 और फिफ्थ लेवल से 10%। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये फिर जो है ना एक्यूमुलेटेड जो पॉइंट्स जो है ना इकट्ठे हो के टोटल पॉइंट्स की सूरत में आपका टारगेट दे दिया जाता है कि आपने 1,00,000 पॉइंट साल में आपके होने चाहिए। किसी कंट्री में 1,00,000 हैं, किसी में 1.5 लाख हैं, डिपेंड करता है एक्सपेंसिस में। किसी में साल का, जैसे लास्ट हमारा टारगेट था 2.5 लाख पॉइंट्स का, तो वो जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि किसी भी कंट्री वो जा सकते हैं। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपके 5 लेवल्स में जो आपके स्टार एजेंट हैं, तो वहाँ से जो है वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो होते हैं वहाँ से ये सारी सारी कैलकुलेशन होती है कि डायरेक्ट जो भी आप सेल करोगे तो आपको 100% पॉइंट्स मिलते हैं, और फर्स्ट लेवल से 50% मिलते हैं। इसी तरीके से थर्ड लेवल से जो है वो आपको 30, फोर्थ लेवल से 20 और इस तरह से फिफ्थ लेवल से 10%, इस तरह से आपके पॉइंट्स जो है वो आपको मिलते हैं। मज़ीद जो है आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के इसकी डिस्कशन कर लीजिएगा। अब हमने जो बात की है मार्केटिंग प्लान की, यहाँ तक कि हमने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस किए हैं। जो बिल्कुल नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं मार्केटिंग प्लान को, उनको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो नए लोगों के लिए ये है कि ये ग्रेजुअली आपको खुद ही समझ में आती रहेंगी चीज़ें। तो आपने काम क्या करना है, जब आपने ज्वाइन किया है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करें, खुद रिजल्ट्स लें, अपने सर्कल में लोगों को इस्तेमाल भी करवाएं, जो भी आपकी आईडी पे सेल होगी वो आपके पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। दूसरा आप क्या करें, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको अपने ग्रुप में ऐड करते रहें। तो सिंपल सा ये है कि आपने क्या करना है, लोगों को रेफर करना है प्रोडक्ट्स के लिए, तो जो भी आपकी आईडी पे सेल होगी वो आपका जो है ना वो कमीशन आ रहा होगा। दूसरा आपने टीम बनानी है, और यहाँ कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, 6 लोगों की अच्छी टीम बनानी है, ठीक है, 6 ग्रुप्स आपने बनाने हैं। तो आपने 6 लोगों की जो टीम बनाई है वो 6 लोग जो भी सेल करेंगे उनसे भी आपको कमीशन आएगा। फिर वो 6 लोग क्या करेंगे, वो भी सेल भी करेंगे और अपनी टीम भी बनाएंगे। अगर आपने 6 लोगों की टीम बनाई है वो भी 6 का बनाते हैं, 36 हो जाएंगे, 36 का बनाते हैं, तो ये बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से आस्ता आस्ता। तो काम क्या करना है, सिंपल लोगों को प्रोडक्ट्स यूज़ करवानी है, ठीक है, या लोगों को प्रोडक्ट के लिए रेफर करना है, यानी सेल करनी है, और दूसरा आपने टीम बनानी है। बाकी ये मार्केटिंग प्लान ये आस्ता आस्ता आपको समझ में आता रहेगा। तो जितना अच्छा आप ग्रुप बनाओगे, जितनी अच्छी आपकी टीम बनेगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। यानी सेल भी साथ साथ करनी है और साथ साथ अपने अपनी अच्छी टीम भी बनानी है। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों हम डीएक्सएन करें, क्यों हमें करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम देखें तो आप इसको जो है ना यू कैन स्टार्ट डूइंग इट एट पार्ट टाइम में, आप कर सकते हैं इसको। आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी कोई जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके साथ डीएक्सएन को पार्ट टाइम में ज्वाइन करें, और एक वक्त आएगा कि आप खुद ही फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाओगे। अगर एक शख्स जो है वो अपनी जॉब से इस वक्त 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं और डीएक्सएन को पार्ट टाइम शुरू करता है, जब वो यहाँ से साल 1.5 साल में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख पे पहुँचेगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही फुल टाइम में आ जाएगा। और अगर कोई शख्स 10,00,000 रुपये पर मंथ उसकी कहीं अर्निंग है, वो डीएक्सएन को पार्ट टाइम ज्वाइन करता है, तो जब वो 10,00,000 से ज़्यादा यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होगी डीएक्सएन से, तो वो फुल टाइम आ जाएगा। इसको लोग पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, खुद ही फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और हर शख्स को इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पार्ट टाइम बिजनेस की नीड है, ठीक है।
जिस तरह के हालात हैं, तो आप सभी लोगों को आप बता सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इसको पार्ट टाइम में ज्वाइन करें। इसी तरह यहाँ पे बेनिफिट ये भी है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। अगर आप तीन चार पाँच साल मेहनत करते हैं, आपका अच्छा ग्रुप बन जाता है, तो ये पॉसिबल है कि आप हर साल कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल टूर। ठीक है, इनकम अच्छी है, अनलिमिटेड इनकम, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, जो फुल टाइम अब डीएक्सएन ही कर रहे हैं, इसी पे बेस कर रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकता है। जॉब से कभी भी आपको जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, आप कहीं जॉब से कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। आपको लाइफ को चेंज करने के लिए बिज़नेस की तरफ आना पड़ेगा, बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अगर वो नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, आप इसको ज्वाइन करके भी अपने जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा ये है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यू कैन चूज द पीपल होम यू वॉन्ट टू वर्क विथ। आप किसी को भी जिसको चाहते हैं आप, जो आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप सभी को अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, आप किसी को भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। फिर ये है कि आप इसको होम बेस भी कर सकते हैं, इस बिजनेस को घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम बना हुआ है, एक दिन आप ऑर्डर देते हैं, दूसरे दिन प्रोडक्ट्स आपके घर पे पहुंच जाती हैं। खासतौर पर फीमेल के लिए वो घर बैठ के ना इन प्रोडक्ट्स पे अच्छा काम कर सकती हैं, थोड़ा सा समझ के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डीएक्सएन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासतौर पर फीमेल के लिए, कि वो घर बैठ के ऑनलाइन और बहुत अच्छे से इसको कर सकती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, थोड़ा सा समझ, अगर आप समझते हैं इसको, तो फिर आप घर बैठ के भी अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो है लो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट आप प्रोडक्ट यूज़ करें और शेयर करें। लो इन्वेस्टमेंट क्या है कि कुछ सीड स्टॉक, कुछ प्रोडक्ट आप घर में रख सकते हैं ताकि आप घर से उसको रोल कर सकें। तो काम क्या करना होगा, वही के लोगों को प्रोडक्ट्स रेफर करनी है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करें, आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, आपने जो है वो साथ साथ लोगों को इंगेज करना है, यानी अपनी टीम भी बनानी है। तो जितनी अच्छी आपकी टीम में लोग आएंगे, ज़्यादा उतनी ज़्यादा सेल होगी, उतनी ज़्यादा सेल होगी उतना आपको जो है ना बेनिफिट होगा। तो क्या है कि कैन स्टार्ट बिजनेस विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से, नहीं भी हैं आपके पास पैसे तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें सीखने सिखाने का बहुत अच्छा सिलसिला है, यहाँ हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन, फेसबुक लाइव पे, जैसे आज अभी ट्रेनिंग चल रही है, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। तो जो नए लोग हैं उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग्स लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग्स लेंगे, हर स्पीकर से कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो सीखने सिखाने का एक सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाहर शायद लाखों रुपए देके जो चीज़ें सीखते हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन उनको फ्री सिखाती है, इसलिए हमें डीएक्सएन जो है ना वो करना चाहिए और डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर ये सोशल वर्क भी है, ठीक है, कि हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आप अगर किसी की हेल्प करते हो, किसी को दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स दिलाते हो, उसको फ़ायदा होता है, तो ये हेल्प है। तो ये विन विन पोजिशन पर है, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, अगर आपको भी फ़ायदा होता है तो ये अच्छी बात है। तो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की इस वक्त, एक तो जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को, आप उसका सलूशन दे रहे हो कि काम है, आप हमारे साथ मिलके करें, इंशाल्लाह आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपके जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह यहाँ से दूर हो जाएगी। अब दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है, हर शख्स को हेल्थ का इशू है। तो आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप वो प्रोडक्ट आप यूज़ करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये दो मैसेजेस आपने लोगों को देने हैं, तो ये एक तरह का सोशल वर्क भी है। और फिर सोशल वर्क इस तरह से भी है कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो आप उनको इंगेज कर रहे हैं कि भाई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें, उनको इंगेज करें, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो मोबाइल से खेलते रहें और वैसे बैठ कर अपना टाइम ज़ाया करते रहें, तो क्यों ना उनको आप बिज़नेस की तरफ लेके आएँ। और एक ऐसा बिज़नेस जो पार्ट टाइम में शुरू होगा, खुद फुल टाइम में कन्वर्ट होगा, और फिर ग्रेजुअली यही सारे लोग मिलीनियर बनते रहेंगे, जैसे बहुत सारे मिलीनियर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन प्लेटफॉर्म में पिछले 30 साल से बन चुके हैं, क्योंकि 30 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है और 15 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है। ठीक है, डेवलप योरसेल्फ एज ए पर्सन, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसमें जाहिर है, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप लोगों से मिलते हो, आप ट्रेनिंग्स लेते हो, तो जब आप डिफरेंट लोगों से दिन में मिलते हो, बात करते हो, तो आपकी लर्निंग होती है, और लर्निंग से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती है। तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी टोटल कुछ ही अरसे में टोटली चेंज हो जाती है, आप एक आम आदमी से खास आदमी बनने जा रहे होते हैं। तो वो झलक रहा होता है जब आप इस बिज़नेस में इन होते हैं,
अलहमदुल्ला जो भी लोग इस बिजनेस में इन होते हैं तो 3 से 6 महीने साल में वो टोटली एक चेंज पर्सनैलिटी बन जाती है, एटलीस्ट उनकी होप होती है उनके पास और वो उनका माइंड चेंज हो चुका होता है और वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में हम लोग कुछ सोचते ही नहीं, बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं शायद बस यही कर रहे हैं, हम लाइफ में शायद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये सोच लोगों की है। तो जब बीएक्सएन वो ज्वाइन करते हैं तो फिर ये सोच खत्म हो जाती है, फिर उनके अंदर एक जुनून एक आग होती है कि यार मैंने लाइफ में कुछ चेंज लाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग चूंकि इस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइफ में चेंज ला चुके हैं तो फिर वो भी सोचते हैं, लेकिन ऐसे जुनूनी लोग बहुत कम कम होते हैं। तो बात हो रही पर्सनैलिटी की, तो फिर पर्सनैलिटी भी आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो डेवलप होती है। ठीक है, फ्रीडम यहाँ पे बीएक्सएल में आपको कौन कौन से फ्रीडम्स मिलते हैं अगर आप देखें तो? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ठीक है, आपकी रिकग्निशन होती है, ठीक है, चैरिटी, आप हेल्प भी कर रहे लोगों की, ठीक है, सोशल पर्स सोशल जो है वो आप सोशल वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी सोशल पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है, लोग आपसे हेल्प लेते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो बहुत सारी फ्रीडम्स के साथ मेन फ्रीडम फाइनेंशियल, आपको जो है ना वो अपनी मर्जी से ही सारी चीज़ें होती हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपको मिलता है तो आप उस बाकी फ्रीडम जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती है। हेल्थ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी हम पैसा जो है वो कमाते हैं और एंड पे हम जो है वो अपनी सेहत पे लगा देते हैं। टाइम फ्रीडम, अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, अलहमदिल्ला हमें रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योर बिजनेस है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है कि बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, कंपनी ने एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, जस्ट आपने सिस्टम पे काम करना है और अपनी लाइफ चेंज करनी है। 3 महीने 6 महीने 9 महीने साल लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी अच्छी सेटिंग इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है और इंशाल्लाह होगी, जैसे बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू ज्वाइन डीएक्सएन, बेटर हेल्थ, सेहत अच्छी मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, एक्स्ट्रा बल्कि बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, जो इनकम आप नॉर्मली जॉब में 30 साल में लोगे वो आपको 3 से 5 साल में मिल जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की कोई कमी नहीं होती, अपना लाइफ जो है ना अपनी मर्जी से, टाइम अपनी मर्जी से गुजारें, आप स्पेयर करें, ठीक है, कोई बाउंडिंग्स नहीं है, कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जैसे हम बात कर चुके हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नए रिलेशंस बनते हैं आपके, ठीक है, और इसी तरह से लाइक योर ऑन बिजनेस, और बस आपका अपना बिजनेस है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो विजन स्टेटमेंट है डॉक्टर लिम से और जिम का, वो सिंपल यही है कि टू प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी आपको, लेकिन आप स्ट्रगल करें, 3 से 5 साल में आपको टोटल फ्रीडम मिल जाता है, उसके बाद शायद आपको लाइफ टाइम कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 3 से 5 साल में एक बहुत अच्छी टीम आपकी डेवलप हो जाती है, वो टीम आपकी वर्किंग कर रही होती है, आप भी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो फिर आपके इंसेंटिव्स, कमीशन वगैरह ये सब बढ़ते चले जाते हैं और आप मतलब 400-500 से स्टार्ट करते हैं लाखों में, फिर लाखों से इंशाल्लाह आप करोड़ों में भी जाओगे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बीएक्सएन है। अब लेगेसी, ये बिजनेस जैसे मैंने कहा कि आपके बाद भी ये खत्म नहीं होगा। अभी हमारे एक साहब है, अलम गुजर नसीब करें, उनका इंतकाल हो गया, तो उनका जो ये मेंबरशिप कोड है, जो आईडी है, उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सारा इंसेंटिव जो उनको मिल रहा था, उनके हस्बैंड को, अब वो दुनिया में नहीं रहे तो उनकी टीमें तो काम कर रही हैं, ग्रुप्स तो काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप्स की जो भी सेल, जो भी कमीशन है, वो सारा उनकी वाइफ को जा रहा है, ठीक है, और अब जो है सारा कमीशन जितनी भी है वो उनकी वाइफ को जा रहा है, और जो एनुअल टूर्स होते हैं वो भी अपने हस्बैंड की जगह उनकी वाइफ जो है वो एनुअल टूर कर रही है ना। ये ऐसा नहीं है बिजनेस के आपके बाद ख़त्म हो जाएगा, आपके बाद आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों के बाद पोतों के नाम, इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाला बिजनेस है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने हमें दी है पाकिस्तान में, हम बस सिर्फ हमें अपने काम के साथ इंसाफ करना है। तो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग यानी डीएक्सएन बिजनेस विल नॉट मेक यू रिच क्विकली, डीएक्सएन आपको जल्दी तो शायद अमीर नहीं बनाएगी, बट विल मेक यू रिच फॉर श्योर, लेकिन आप यकीनन जो है ना वो रिच हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में आप अमीर हो जाएंगे। तो जैसे हमारे ऑनर कहते हैं कि समटाइम्स योर बोनस विल गो डाउन, समटाइम्स योर बोनस विल गो अप, तो ये अप एंड डाउन चलता रहेगा,
लेकिन एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। तो क्या है, विल मेक डीएक्सएन विल मेक यू रिच फॉर श्योर, इंशाल्लाह आप अमीर जरूर बनोगे, टाइम लगेगा लेकिन आप इंशाल्लाह अमीर बन जाओगे इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। हम आपको जो है ना हेल्थ एंड वेल्थ का बेस्ट विशेज हम आपके साथ हैं। और आज हमने डिस्कस किया मार्केटिंग प्लान, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है। एक आम आदमी अपनी लाइफ में अगर चेंज लाना चाह रहा है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही पाकिस्तान में उनके पास हो, क्योंकि तो बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी जॉब स्टडी सब करते हुए इसको बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं, होम बेस्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आज की प्रेजेंटेशन में तो फिर आप अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ बैठें, ठीक है, किसी भी ऑफिस में, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करें। आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। लेट्स कॉल इट अ डे। अल्लाह हाफिज़।